नमस्कार दोस्तों, कई लोग हमें कमेंट्स में बार बार यह प्रश्न पूछते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन तो करते हैं लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिलता, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है और ऐसा हम क्या करें कि हम ब्रह्मचर्य का लाभ मिलना हमें शुरू हो जाए और कितने समय तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करें कि हमें ब्रह्मचर्य का लाभ मिलना शुरू हो। तो आज हम आपको सभी प्रश्न के जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले, जब आप किसी आदत को लगातार लंबे समय तक करते आ रहे हैं और उस आदत को जब आप छोड़ देते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलता, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने उस आदत को लंबे समय तक किया है और अभी आपने कुछ ही दिन तक उस आदत को छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया है, इसलिए आपको संयम रखने की जरूरत है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक और एक सीमित समय तक करेंगे तो अपने आप आपको इसके फायदे और लाभ देखने को मिलेंगे। अब कई लोग हमें प्रश्न पूछते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक तो करते हैं लेकिन फिर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो ऐसा इसलिए होता है जब आप आदत को छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आज शुरुआत में आपको फ़ायदे देखने को मिलते हैं लेकिन धीरे धीरे ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ जाते हैं तो आपको फ़ायदे नहीं मिलते, लेकिन ऐसा आपको महसूस होता है क्योंकि अब आप उस आदत से बाहर निकल चुके हैं, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपको लाभ तो मिलते रहेंगे, बस आपको वह लाभ महसूस नहीं होंगे क्योंकि आप एक नई आदत में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना है, एक टाइम अपने आप ऐसा आएगा जब आपको इसके लाभ मिलना शुरू होंगे। हो सकता है कि आपको लाभ महसूस ज़्यादा समय तक ना हो लेकिन असल में आप उस आदत से बाहर निकल चुके हैं और आपकी ज़िंदगी एक नई दिशा की ओर चल चुकी है, तो आप केवल लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें, अपने आप देखेंगे कि किस तरह से आपका जीवन बदल रहा है। आपके जीवन में वो सारी चीज़ें अब आ रही हैं जो आप ब्रह्मचर्य नाश पर नहीं आती थी, ऐसा इसलिए क्योंकि आप उस आदत को छोड़ चुके हैं और एक नई आदत में प्रवेश कर चुके हैं। वीर्य निकालने के बाद बिल्कुल एकदम पावर कम की हो जाती है। एक पुरानी कहावत है, वीर्य ही वीरता है। कुछ तो रीज़न रहा होगा इसके पीछे का। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, गामा पहलवान, इन सब ने सेक्सुअल एनर्जी की वैल्यू को समझकर अपने जीवन में इसका प्रयोग करना सीखा। अगर आपको अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, अगर आप बढ़िया वज़न बढ़ाना चाहते हैं और आप वीर्य को बचाओगे तो गुड न्यूज़ ये है कि आपको इससे ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। कैसे? क्योंकि वीर्य की रक्षा करने से आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता चला जाएगा और टेस्टोस्टेरोन के बारे में थोड़ा तो आपको पता ही होगा। अगर ये आपका बूस्ट होता चला जाए तो नेचुरल आपका वेट गेन और आपकी मसल्स गेन होना शुरू हो जाएगी। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हो तो आज से ही वीर्य बचाना शुरू करें। एक महीने बाद बॉडी में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।